जलियांवाला कांड ये भारतीय इतिहास का वो स्याह पन्ना है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जलियांवाला बाग पर अब हजारों की भीड़ एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुई, तब उन पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। निहत्थे बच्चों और बुजुर्गों को अपना शिकार बना देने वाली इस घटना ने अंदर से पूरे देश को हिला दिया। लेकिन साल 1919 का था, भारत पर अंग्रेजों का राज था और कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी का बदला लेने फिर एक भारतीय शेर उधम सिंह जा पहुंचा इंग्लैंड, और करीब 20 सालों के बाद 1940 में इस घटना के लिए जिम्मेदार शख्स को गोली मारकर उधम सिंह ने अपना बदला पूरा किया। लेकिन उधम सिंह ने जनरल डायर को नहीं मारा था। स्कूल में आपको जो मर्जी पढ़ाया गया हो, लेकिन हम आपको बता दें, शहीद उधम सिंह इंग्लैंड कभी जनरल डायर को मारने गए ही नहीं थे, बल्कि उनका निशाना तो कोई और ही था। क्या है उधम सिंह और जलियांवाला बाग कांड की पूरी कहानी, आज हम आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखिए भारत माँ के इस वीर सपूत की जीवन गाथा। पहले जान लेते हैं जलियांवाला बाग में उस दिन आखिर हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए और कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए एक सभा हुई। सभा पूरी तरह शांतिपूर्ण थी, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश सरकार के एक ऑर्डर के तहत सभी सभाओं पर बैन लगा दिया गया, जिस वजह से वहां पर सेना पहुंच गई। सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल डायर ने सबसे पहले बाग से बाहर निकलने के रास्ते पर अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया और उसके बाद बिना कोई वार्निंग दिए उस जमा भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। भागने के सभी रास्ते बंद थे और उन पर सिपाही तैनात थे। लोग जाते भी तो कहां जाते। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए एक कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत तो बर्बरता पर उतर आई थी और उसने उन लोगों को भी नहीं बख्शा और उन लोगों के ऊपर मरी हुई लाशों को फेंक दिया ताकि कुएं में दम घुटने से उनकी भी मौत हो जाए। इस घटना में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 1200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। जिंदा बचने वालों में एक 18 साल का अनाथ लड़का भी था, वो लड़का जो ब्रिटिश हुकूमत की जमीन हिलाने वाला था, वो लड़का जो अंग्रेजों के घर में घुसकर इस बर्बरता का बदला लेने वाला था, वो लड़का जिसका नाम भारत के लोगों ने भुला दिया, शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने यह सब अपनी आंखों से देखा था और तब ही ये निर्णय कर लिया था कि एक दिन वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेगा। यहां पर आपको बताना बहुत जरूरी है कि जो जनरल डायर इस घटना में मौजूद था, उसकी मौत तो 1927 में ही हो गई थी, लेकिन जिस डायर को उधम सिंह ने मारा था वो जनरल डायर नहीं था, बल्कि उस वक्त पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट पर तैनात मिचेल ओ डायर। मिचेल और डायर के इशारे पर ही जनरल डायर को इन लोगों पर गोली चलाने के लिए कहा गया था। दोनों डायर में थोड़ा सा फर्क समझ लीजिए। पहला डायर जो जनरल डायर था, जिसे अमृतसर का कसाई कहा गया, वो था जनरल रेजिनॉल्ड डायर, जो पंजाब में पैदा हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड में वही मौजूद था और सैन्य टुकड़ी को लीड कर रहा था। वही मिचेल ओ डायर उस वक्त पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेकिन उसी ने उस खूनी खेल को शुरू करने के ऑर्डर रेजिनॉल्ड डायर को दिए थे। दोनों के नाम और स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर है। उधम सिंह के माँ बाप पहले ही दुनिया से जा चुके थे और उधम सिंह उस वक्त एक अनाथालय में रहते थे। वो जलियांवाला बाग में अपने भाइयों और दोस्तों के साथ उस वक्त लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे जब इस घटना को अंजाम दिया गया। कहते हैं हमारे देश के एक और अमर शहीद शहीद आजम भगत सिंह को भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत की जंग में उतारने वाली घटना ये जलियांवाला बाग ही थी। इस घटना के बाद भगत सिंह भी यहाँ पहुंचे थे और वो यहाँ से मिट्टी उठाकर घर ले आए थे। उधम सिंह भी भगत सिंह की जिंदगी से काफी प्रेरित थे। इस घटना के कुछ समय बाद उधम सिंह ने अनाथालय छोड़ दिया था और वो कुछ वक्त अमेरिका में रहे, लेकिन जब उन्हें वहाँ बब्बर अकालियों के अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संग्राम के बारे में पता चला तो वो लौटकर भारत आ गए। इसी बीच वो एक पिस्तौल भी स्मगल करके वहां लाए, जिसके बाद पकड़े जाने पर उन्हें कुछ वक्त के लिए जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन उधम सिंह का मकसद हमेशा से साफ था, बदला। 1940 आते आते डायर रिटायर हो चुके थे और भारत छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट गए थे।
उधम सिंह भी इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए, पर रास्ता इतना आसान नहीं था और डायर तक पहुंचना कोई आसान काम तो था नहीं, इसलिए उन्हें इसके लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ा। काफी वक्त तक वो वहां रहे और एक दिन उन्हें खबर मिली कि एयर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक मीटिंग में स्पीच देने के लिए शरीक वो होने वाले हैं। यहाँ पर ब्रिटिश तंत्र के कई और जरूरी लोगों का भी जमा होना संभावित था, इसलिए 13 मार्च 1940 को उधम सिंह अच्छे से एक अंग्रेज की तरह कपड़े पहने हुए वेस्टमिंस्टर के कैक्सटन हॉल पहुंच गए, जहां पर ये मीटिंग होने वाली थी। हॉल में जाने से पहले उन्होंने अपनी रिवॉल्वर एक किताब के अंदर छुपा ली थी और उसे अंदर ले जाने में कामयाब रहे। जब वहां डायर के स्पीच की बारी आई तो डायर उठकर स्टेज पर जा ही रहा था कि तभी उधम सिंह ने एक के बाद एक 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 2 गोलियां डायर को लगी और एक तो उसके दिल के आर पार हो गई, जिसकी वजह से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस गोलीकांड में कई और ब्रिटिश अधिकारियों और राजनेताओं को भी कई चोटें आईं और उसके बाद भीड़ की नजर गर्व से फूले उधम सिंह पर पड़ी। उधम सिंह भगत सिंह को न सिर्फ अपना हीरो, अपना गुरु मानते थे, जिस वजह से भगत सिंह की तरह वो मौकाए वारदात पर वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने वहां अपनी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तार होने के बाद उन पर मुकदमा चला और क्योंकि अब दुनिया भर में उधम सिंह का नाम पहुंच गया था, इसलिए उधम सिंह की तरफ से केस लड़ने के लिए वीके कृष्णा मेनन आगे आए। वीके कृष्णा मेनन बाद में आजाद भारत के यूएन में एम्बेसडर भी रहे और नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी। हालांकि उस वक्त नेहरू और गांधी दोनों ने ही इस घटना को गलत ठहराते हुए उधम सिंह की निंदा करते हुए इसे एक बेवकूफाना हरकत बताया था, लेकिन 1952 में नेहरू ने भी उधम सिंह को शहीद आजम कहा और उनके इस काम को सही ठहराया। इस घटना ने इस कदर ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी कि बहुत जल्द से जल्द ये ट्रायल पूरा किया गया। ट्रायल के दौरान उधम सिंह ने जेल में 42 दिन की भूख हड़ताल भी की और इस हड़ताल को तोड़ने के लिए इन्हें जबरदस्ती खाना खिलाया गया। 4 जून आते आते ट्रायल पूरा हो चुका था और इस घटना के 4 महीने बाद ही 31 जुलाई 1940 में उधम सिंह को पैंटोनम विलेज जेल में फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने अपने ट्रायल स्टेटमेंट में साफ कर दिया था कि उन्हें अपने इस काम पर जरा सा भी अफसोस नहीं है। उन्हें अफसोस है बस इस बात का कि सभा में मौजूद कुछ और लोग उनकी गोली का शिकार बनने से बच गए। उधम सिंह ने आगे ये भी कहा कि जब बचपन में उनके माता पिता का देहांत हो गया था तो वो और किसके लिए जीते। उधम सिंह ने इस पूरे ट्रायल को उधम सिंह ना होकर बल्कि राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम पर लड़ा। इससे वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि वो केवल एक सिख नहीं बल्कि सच्चे भारतीय हैं और भारत के विभिन्न धर्मों के लोग अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में उनके साथ है। ऐसे थे उधम सिंह, जिनके अंदर ना कोई धार्मिक द्वेष था, ना किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का लीडर बनने की ख्वाहिश। उन्हें बस अपने देश की सेवा करनी थी और देश की सेवा उन्होंने भरपूर की। उनके अवशेषों को 1970 के दशक में वहां से भारत लाया गया, जिसके बाद उसका कुछ हिस्सा पंजाब की सतलुज नदी में बहा दिया गया और कुछ हिस्सा आज भी उसी जलियांवाला बाग में रखा गया है, जिसकी लाल मिट्टी शायद उधम सिंह की राख से पहली बार ठंडी हुई होगी। हम अक्सर आज भी इस दुनिया में गांधी जयंती और 15 अगस्त की छुट्टी में ऐसे अमर सपूतों को याद करना भूल जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी ताकि हम लोग आज एक आजाद नागरिक की तरह जी सकें। इसलिए हमारा इतना तो फर्ज बनता ही है कि हम इन्हें याद रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी इनकी गौरव गाथा सुनाएं।